आज हम केमिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं और इसका पहला टॉपिक, पहली यूनिट तो हम स्कूल में लिखवा चुके हैं, करा चुके हैं। अब हम सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको नोट्स मिल चुके हैं, इनको पहले पूरे नोट्स को कॉपी में साफ से उतारेंगे और जैसे जैसे क्लास चलेंगी वैसे वैसे उन कॉपीज को अपने आगे रखने। और सबसे पहले हम यूनिट टू में इंट्रोडक्शन में लेते हैं। यूनिट टू का नाम है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम इंट्रो में लिखा होगा आप लोगों ने। ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस नोन एज सॉल्यूशन। होमोजीनियस मींस अगर किसी बीकर में सॉल्ट डाला जाता है, नमक, और वो पूरी तरह से उसमें घुल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। लेकिन अगर उसी सॉल्यूशन में सैंड डाल दी जाए, कितनी भी कोशिश की जाए उसको घुलने की, नहीं घुलेगी, तो वो मिक्सचर क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस। तो इस चैप्टर में हम होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, उनकी डेफिनेशन सबसे पहले लेते हैं। सॉल्यूट दैट कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज नोन एज सॉल्यूट, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन हाई अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो और इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि NaCl नमक को डाला गया था, वो कम मात्रा में था तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट, और पानी जिसमें डाला गया था वो ज्यादा मात्रा में तो उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अनदर डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या दी जाती है, दैट कंपोनेंट हूज फिजिकल स्टेट इज चेंज, जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है सॉल्यूशन में डालने पर। NaCl पहले सॉलिड था, घुलने के बाद वो एक्वस फॉर्म में चला गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और हूज फिजिकल स्टेट इज नॉट चेंज इज नोन एज